हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपके साथ दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कवर के आइडिया शेयर करने वाली हूँ, पर ये क्वेश्चन कवर हमारे प्रीवियस क्वेश्चन कवर से कम्प्लीटली डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम लेसेस का यूज करने वाले हैं। लेसेस हमारे पास बच जाती है क्योंकि हम स्टिचिंग का काम करते हैं और कई बार ऐसा होता है लेसेस हमारे पास बच जाती है। जो साड़ीज हम वियर नहीं करते हैं, कुर्ते वियर नहीं करते हैं, लेसेस बच जाती है, उनकी लेसेस होती है, उनको हम निकाल लेते हैं। इस DIY में मैं इन्हीं का यूज करूंगी और ये अच्छा सा क्वेश्चन कवर हम बनाएंगे। क्वेश्चन कवर में हम वेस्ट फैब्रिक का यूज करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिले। अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। कवर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये व्हाइट कलर का फैब्रिक लिया है। आप किसी भी कलर फैब्रिक ले सकते हैं। मेरे पास कुछ लेसेस हैं, साड़ी की लेसेस हैं और कुछ मैंने परचेज किया है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये साड़ी की लेसेस है, मैंने परचेज किया है, तो इसी से ही हम कुशन कवर बनाएंगे। इस तरीके से आप लेसेस का यूज करके कुशन कवर बना सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटर को मार्क करना है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर को इस तरीके से मार्क कर लिया है और ये मेरे पास साड़ी की लेस है। आप देख सकते हो अच्छी खासी इसकी चौड़ाई है, तो इसे सेंटर में मैं इस तरीके से रखूंगी और यहाँ से हमें इसे अटैच कर लिया। तो यहाँ पर इसे मैंने सेंटर पर अटैच कर लिया है। तरीके से मेरे पास ये दूसरी लेस है। चूंकि इस कुशन कवर को हम पूरा लेस से ही बनाएंगे, आप देख सकते हो ये लेस मेरे पास पतली है, तो आप इस तरीके से चौड़ी और पतली लेस को यूज करके इसे बना सकते। वापस से ये साड़ी की लेस है, इसे मैं अटैच करूंगी। अभी इसे हमें अटैच कर लेना है। बस आपको लेस अटैच करते समय ध्यान देना है, बीच में गैप नहीं आना चाहिए, फैब्रिक नहीं दिखाई देना चाहिए जो भी फैब्रिक पे हम अटैच कर रहे हैं। तो राइट साइड में मैंने सारी ही लेस को अटैच कर लिया है। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम लेफ्ट साइड में भी सारी लेस को अटैच कर लिया। तो यहाँ पर मैंने सारी ही लेस को अटैच कर दिया है और कुशन का फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। तो अब बैक पोर्शन को रेडी करना है। यहाँ पर बैक पोर्शन इस तरीके से मैंने दो फैब्रिक को कट किया है इस तरीके से। अभी क्या करना है, इसे मैं इस तरीके से रखूंगी और अंदर के साइड डबल फोल्ड करना है इस तरीके से। तो दोनों में ही हम इस तरीके से अंदर के साइड डबल फोल्ड कर। यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड भी कर लिया है और अब फ्रंट वाले पीस के साथ हमें इस तरीके से फैब्रिक को रखना है जो हमने फोल्ड किया है। मैं बता दूं कि चूंकि इसे एनवलप कुशन बना रहे हैं तो अब हमेशा आपको बैक पोर्शन की लेंथ थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। ब्रेथ आप सेम रख सकते हो बट लेंथ हमें ज़्यादा लेना है। तो इस तरीके से रखकर अब चारों साइड से हम सिलाई चला लें। तो इस तरीके से मैंने बैक पोर्शन को अटैच कर लिया है और ये ओवरलैप हो रहा है। लगाना चाहते हो तो आप वेलक्रो बटन लगा सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी रखोगे तो भी ठीक है। मैं इसे ऐसे ही रखूँगी और फ्रंट साइड से ये इस तरीके से लग रहा है। तो कुशन लगाकर देखते हैं कि ये कैसा लगा। तो कवर लगाने के बाद इसका फाइनल लुक किस तरीके से आ रहा है, देखते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। क्योंकि ये कुशन कवर हम फैब्रिक के टुकड़ों से बनाएंगे तो इस तरीके से मैंने ये फैब्रिक को कट किया है। मेजरमेंट मैं बता दूं, ब्रेथ 5 इंच है और लेंथ मैंने 17 इंच लिया है। तो आप अपने कुशन के हिसाब से मेजर कर लीजिए और फिर इसे कट कर लीजिए। तो अभी क्या करना है, इसको हम अटैच करेंगे। फैब्रिक को अटैच करने के लिए इस तरीके से हमें रखना है, दोनों का ही उल्टा साइड रखना है, एक के ऊपर इस तरीके से हम रखेंगे और अब यहाँ से सीधी सिलाई चला लेंगे और इसे अटैच कर लेंगे। तो इसे मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है, सेम वे में इसे भी हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से सीधी सिलाई चला। फैब्रिक को मैंने इस तरीके से अटैच कर दिया है और ये अब मेरे पास लेस है, तो इसे मैं इस तरीके से अंदर के साइड लगाऊंगी तो जहाँ से हमने सिलाई चलाई है वो भी हाइड हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से दोनों ही साइड में लेस को अटैच कर दूँ। तो इस तरीके से मैंने लेस भी लगा लिया है और इसे मैं इस तरीके से रखूँगी। अगर आपको आप ऐसा बनाते हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसा आपका मन है आप ऐसा कर सकते हो। मीन्स लेंथ में भी कर सकते हो और इस तरीके से जैसे मैंने ब्रेथ में किया है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इस पर हम फैब्रिक, बैक साइड वाला फैब्रिक अटैच करेंगे। वो इसे अटैच करने के लिए यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक कट किया है, इसके दो पीस मैंने रेडी किए हैं और इसे अब फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से मैं डबल फोल्ड कर लूंगी दोनों में। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और अब इसका जो फ्रंट साइड है और इस तरीके से ये बैक पोर्शन है, इसे हम अटैच करेंगे। इस तरीके से रखना है, इसे स्टिच कर लेना है, इसका भी बैक इस तरीके से, और इधर से सिलाई चला लेंगे चारों तरफ से, इसे अटैच कर लेंगे। बैक साइड को इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है, ये फ्लैप वाला है।
आप चाहते हो वेलक्रो लगाना तो आप लगा सकते हो, टच बटन लगा सकते हो, या आप इस तरीके से भी रख सकते हो। ये ओवरलैप हो रहा है तो मैं तो यहाँ पर कुछ नहीं करने वाली। और ये इसका फ्रंट साइड, तो कुशन में लगा कर देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो कुशन में लगने के बाद ये रहा इसका फाइनल लुक। ये डीआईवाई कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय।